आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। दिग्गज नेताओं की लिस्ट में शुमार कपिल सिब्बल ने बड़े ही गुपचुप तरीके से कांग्रेस से खुद से दूर कर लिया। अब यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने के मूड में दिखाई दे रहे, जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं यूपी में पैट जमाने के लिए सिब्बल का बड़ा कदम हमारे इस रिपोर्ट में। देश की सबसे पुरानी पार्टी हो या देश की सबसे बड़ी पार्टी, पार्टी दीदी की हो या बहन जी की, हर पार्टी में एक बात कॉमन है, दल बदलने की। भारत की राजनीति कुछ ऐसी है अवसरवादी, जहां ज्यादा फायदा नेता उस खेमे में सवार होकर अपनी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं। और इस वक्त कांग्रेस के खेमे में लगातार दिग्गजों का जाना जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी छोड़ दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी पार्टी को झटका देते हुए कहा कि मैंने 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने सपा के समर्थन के आधार पर राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन के दौरान उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और अन्य पार्टी नेता भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने ये साफ कर दिया कि वो मोदी सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय क्या भरा है, इंडिपेंडेंस का एज एन इंडिपेंडेंट आई विल बी गोइंग। कपिल सिब्बल और अखिलेश यादव के एक साथ आने पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचना लाजमी था और अखिलेश यादव ने इस मौके पर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा। बता दें कि हाल ही में कपिल सिब्बल ने बतौर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आजम खान की जमानत कराई है। हालांकि आज जब मीडिया ने उनसे आजम खान और अखिलेश यादव की अब तक की मुलाकात नहीं होने के बारे में पूछा तो वो इस सवाल को टालते हुए नजर आए। सपा की ओर से राज्यसभा के लिए दो अन्य उम्मीदवारों के तौर पर डिंपल यादव और जावेद अली के नाम की चर्चा है। हालांकि अखिलेश यादव ने किसी अन्य नाम का खुलासा नहीं किया, उन्होंने कहा बहुत जल्द दोनों उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे और वो भी अपना नामांकन कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।